हेलो रिवान, वेलकम बैक। हिंदी में पूछे जाने वाले आज हम जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। हिंदी में जीवन परिचय 5 अंक में, पद्य में और गद्य दोनों में पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम जीवन परिचय देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह यानी दादाजी शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिवभक्त और बहुत दयालु व्यक्ति थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि स्थानों यानी तीर्थ स्थानों की यात्राएं की। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का, फिर 4 वर्ष बाद ही उनकी माता जी का निधन हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभुरत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखवाया, किंतु इनका मन वहाँ न लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पर ही प्राप्त किया। उनमें बचपन से ही साहित्यानुराग था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अत्यधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी का भी निधन हो गया और उनके निधन हो जाने पर घर की स्थिति खराब हो गई। व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिल गई, पर वे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। अब दूसरा जीवन परिचय देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए। वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुआ। पिता के साथ वे मिर्ज़ापुर आ गए। 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। मिर्ज़ापुर में पंडित केदारनाथ पाठक एवं बद्री नारायण चौधरी के संपर्क में आए। यहीं पर इन्होंने हिंदी के साथ उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। 1909 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा का भी संपादन किया। उसके बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए और 1941 में इनका देहावसान हो गया। इनकी सबसे जो प्रमुख रचना है वह चिंतामणि है और इन्होंने चिंतामणि में उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, क्रोध आदि के बारे में इन्होंने व्याख्या किया हुआ है। अब अगला जीवन परिचय देखते हैं तुलसीदास जी का। तो इनका जीवन इस प्रकार है कि रामश्रयी शाखा के प्रमुख कवि संत तुलसीदास जी का जन्म तिथि और उनके जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः इनका जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1497 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। स्थान के विषय में कहा जाता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था और कईयों के द्वारा एटा जिले का सोरो नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था।
तथा माता का नाम हुलसी था। इन्हें बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया। ये भीख मांगकर पेट भरते थे। अंत में बाबा नरहरि दास ने इन्हें अपने पास रख लिया और शिक्षा दीक्षा दी। रत्नावली से इनका विवाह हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था और प्रेम की अधिकता के कारण तुलसी आधी रात को आंधी तूफान में उनसे मिलने ससुराल पहुँचे। पत्नी की फटकार ने तुलसी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। इनके मन में राम भक्ति जागृत हो उठी। घर को त्याग कर कुछ दिन काशी में रहे, फिर अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक चित्रकूट में भी रहे। 1574 में रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस की रचना करने में 2 वर्ष 7 माह लगा और इसके बाद अधिकांश समय इन्होंने अपना काशी में व्यतीत किया। 1632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई।